अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैंने पिछले दिनों कुछ नेटवर्किंग पे पोस्ट आ रही थी, तो लोगों ने मुझसे पूछा, ठीक है आप कह रहे हैं नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि नेटवर्किंग करें कैसे। तो मेरे ख्याल से नेटवर्किंग करने के लिए 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, वर्क ऑन योर एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच ये होती है कि लेस देन 30 सेकेंड्स आप अपना ऐसा इंट्रोडक्शन अगले बंदे को दें कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं पता होता कि आप किस जगह किस मौके पे किस बंदे से मिलेंगे और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपकी नेक्स्ट कैरियर गोल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो एलिवेटर पिच आपकी हमेशा तैयार होनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से इस्टैब्लिश होनी चाहिए। नंबर 2, आप लोगों में से बहुत लोग शायद डिफर भी करें कि आजकल के लिंक्डइन, ट्विटर और इसके दौर में इस चीज़ का क्या तुक बनता है, बट इट्स अ रियलिटी बिकॉज इट्स बिकमिंग अ नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ रीचिंग आउट पीपल। सेंड जॉब नेटवर्किंग लेटर्स। जॉब नेटवर्किंग लेटर का मतलब ये नहीं होता कि यू अप्लाई फॉर अ जॉब, इसके आप लोगों को एक लेटर सेंड करें, उसमें यू कैन आस्क देयर गाइडेंस, आस्क देयर असिस्टेंस, आस्क देयर हेल्प और आस्क देयर रेफरेंस। इसका तरीका ये होता है क्योंकि जब किसी को हैंड रिटन नोट या लेटर भेजते हैं, नॉन कन्वेंशनल वे बन चुका है, तो पर्सन क्या लिटिल बिट यू नो पर्सनल ऑन दैट स्टफ, और वो उस पर पर्सनल टच दे के आपको रिस्पॉन्ड करता है। हिज रिस्पॉन्स इज फार मोर वैल्यूएबल जो वो एक ईमेल का रिप्लाई है या एक ट्विटर का ट्वीट का रिप्लाई करेगा। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें अपने। जैसे अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो PMP के लोकल चैप्टर्स होते हैं रीजन में, आप वो ज्वाइन करें। इसके अलावा हर प्रोफेशन की कुछ क्लब्स होते हैं, कुछ मीटअप्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपका जो नेटवर्क है बहुत बढ़ेगा। चौथी चीज़ ये है कि अपने जो आप एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको हमेशा अपडेटेड रखें, नए लोगों से मिलें, लेकिन साथ साथ स्टे उन पुराने लोगों से भी टच में रहें। अगर आपका एक नेटवर्क बना हुआ है, आप अपने हर नेटवर्क में जिस जिस बंदे को चाहते हैं उसको हेलो हाय कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ करते रहें विदाउट इवन एनी रीज़न एज वेल, क्योंकि जितना आपका रिलेशन नेचुरल होगा उतना वो ज़्यादा मीटफुल होगा। हो सकता है कि आप किसी अपने नेटवर्क में बंदे को जस्ट हेलो हाय करने जाएं, यू विल लैंड अप इन योर ड्रीम जॉब। उसके पास कोई जॉब हो उसके माइंड में, आप ना आप उससे मिलें, आप उससे बात करें और सडनली इट एंड्स अप इन एन अपॉर्चुनिटी। पांचवी चीज़ है, कंडक्ट इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ क्या होते हैं कि जैसे अगर मैंने सपोज करें कि मैंने एक जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब करनी है, तो मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर किसी को पकड़ लूँ उससे क्योंकि मैं आपको इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू करना है। और इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ का फायदा ये होता है, यू डोंट हैव टू पुट स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ, आप टोटली उस बंदे के बारे में बात करते हैं, उसकी डिटेल्स को लेके आते हैं और वो डिटेल्स आप डिस्कस करते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प अ लॉट। इसके अलावा कुछ टिप्स ये हैं कि आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे चैरिटी इवेंट्स पर वॉलंटियर करें जो उस कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ किए हों जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपना टाइम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दें जिसकी उस कॉर्पोरेट के साथ लोकेशन जो है ना एसोसिएशन है जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं। इस तरीके से आप उसके एम्प्लॉय से कोई ना कोई मिलेंगे, आपके नेटवर्क बनेगा उनसे और दे स्टार्ट नोइंग यू एंड यू विल बी एबल टू इंट्रीक बेटर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा लोकल स्पोर्ट्स क्लब, कम्युनिटी क्लब्स, दे आर एन एक्सेलेंट वेन्यूज़ फॉर द नेटवर्किंग। आई होप कि ये वीडियो आपके किसी काम आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।